हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशली। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे कपूर फैमिली, जो हाल फिलहाल का बॉलीवुड का ट्रेंडिंग मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही रणबीर और आलिया की शादी हुई है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तो वहीं पर सास नीतू कपूर की खुशी तो जमीन पर आ ही नहीं रही। वो जहां भी जाती हैं अपनी बहू आलिया भट्ट की तारीफ करते नहीं थकती। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में खबरें आ रही हैं कि आलिया भट्ट की जगह कोई और एक्ट्रेस बनने वाली थी नीतू कपूर की घर की बहू। जी हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ही थी। लेकिन कैटरीना कैफ को ऋषि कपूर द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि ऋषि कपूर कैटरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आपको बता दो चलिए, ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड को एक दो नहीं बल्कि काफी सारी हिट फिल्में दी हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना दीवाना बनाया है, जिसके चलते आज के समय में पूरी दुनिया में इन्हें जाना जाता है। ऋषि कपूर ने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया था, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन यहां पर कैटरीना को लेकर आज निधन के बाद भी ऋषि कपूर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अपने बेटे रणबीर कपूर की शादी कैटरीना कैफ से कराने वाले थे, लेकिन फिर कैटरीना के लिए ऋषि कपूर के दिल में काफी गलत बातों ने जन्म ले लिया और ऋषि कपूर को कैटरीना कैफ की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। इस तरीके की बातें निकल कर सामने आई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि कैटरीना कैफ के लिए ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने उनका घर छोड़ दिया और कैटरीना के साथ दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया, जिसके चलते ऋषि कपूर को कैटरीना की शक्ल भी देखना नहीं पसंद और बस यही दबाव थी, जिस वजह से रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हुआ और ऋषि कपूर ने उन्हें एज अ बहू रिजेक्शन का यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ा। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।